हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। गया जिले के डोभी प्रखंड स्थित एक छोटा सा कस्बा है केसापी, जहां पेशे से ट्रक चालक राम सेवक प्रसाद ने कम ही दिनों में तेलहन, दलहन और सब्जी के लहलहाते खेत उपजाए हैं। इनकी चर्चा सरकार तक पहुंची और खुद सरकार इनके द्वार आ पहुंची। बागवानी देखने के क्रम में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग जन्म से ही आइकन होते हैं, लेकिन असली आइकन तो राम सेवक प्रसाद हैं। मुख्यमंत्री ने राम सेवक को किसान रत्न से भी सम्मानित किया। राम सेवक अपने इस मुकाम पर पहुंचने का श्रेय अपने परिवार के सदस्यों के जी तोड़ मेहनत को देते हैं, जिन्होंने इनके उद्देश्य को पूरा करने में भरपूर सहयोग किया है। मैट्रिक पास करने के बाद राम सेवक ने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा ट्रक चालक बनकर उठाया। वर्ष 1984 में ये अक्सर पंजाब जाया करते थे। उस समय वहाँ के खेतों में पूरे परिवार समेत सिखों को कार्य करते देख और उनकी समृद्धि देखकर प्रभावित हुए। इन्हीं लोगों से कृषि कार्य की जानकारी प्राप्त की और ड्राइवरी छोड़कर अपनी परती पड़ी जमीन में सर्वप्रथम मक्के का बीज बोया। इसके बाद राम सेवक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज अपनी 6 एकड़ जमीन से हर वर्ष 4 से 5 लाख कमाकर इन्होंने एक मिसाल कायम की है। राम सेवक अपने बागीचे में आत्मा द्वारा कृषि प्रक्षेत्र पाठशाला चलाकर स्थानीय किसानों को कृषि के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी देते हैं और बिहार को कृषि के क्षेत्र में अव्वल बनाने में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। बिहार वीडियो डायरी में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय बिहार।